दो घंटे में वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स, दो घंटे लगे हम लोग यहाँ पे आने में, अब यहाँ और जाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बहुत ही स्पेशल दिन है, आज महाशिवरात्रि है, शिव जी का बहुत ज़्यादा दिन है, तो उसी के सावन पक्ष पे हम लोग आए हैं। एक मंदिर आए हैं, कुटेश्वर मंदिर, हमारे जबलपुर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो अभी यहाँ पे हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, उन्होंने गाड़ी बहुत मतलब दूर पार्किंग करे हैं, मतलब बहुत ट्रैफिक हो जाता है, देख सकते हैं गाड़ी हमने यहाँ पर पार्किंग की है, और मंदिर आगे है, काफ़ी आगे है, थोड़ा सब लोग आगे है। तो अभी शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ा कुछ जगह सामान लिया जा रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, पुलिस वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, ट्रैफिक वगैरह जाम ना हो इस चक्कर, रिगार्डिंग पुलिस लगी हुई है, बहुत ही अच्छा प्रशासन है यहाँ का, श्रद्धालु भक्त को कोई दिक्कत ना हो इसलिए, मतलब यहाँ पे भी लगी है, और एक लोग वहाँ पे भी आगे लगी, दिखाऊंगा मैं आपको। ये फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी बहुत तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ कुछ ज़्यादा आज त्यौहार के मौसम पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा शॉपिंग वगैरह के लिए काफ़ी कुछ दुकानें लगी, पर नॉर्मल डे से रहती नहीं है, आज ही लगाई गई है। बाकी ये सब तो फ्रेंड्स परमानेंट दुकानें हैं, ये सब परमानेंट दुकानें हैं यहाँ की। तो फ्रेंड्स ये है हमारा प्यारा मंदिर, अभी हम लोग यहीं जाएंगे अंदर, महादेव का गुप्तेश्वर मंदिर देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा आज लग रहा है यहाँ पर। फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे इतनी भीड़ है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये लाइन लगी, इतनी लंबी लाइन लगी है, एंड फिर ये लाइन पूरी वहाँ से घूम के एकदम ये यार यहाँ से एंट्री है, फ्रेंड मंदिर की एंट्री यहाँ से है, देख सकते हैं फ्रेंड काफ़ी यहाँ पर भी लाइन लंबी लाइन लगी हुई है, देखते हैं कितने तक आते हैं हम लोग का नंबर। फ्रेंड्स यही थी लाइन, मैं आपको अंदर दिखाऊंगा अंदर चल के। फ्रेंड्स फाइनली थोड़ा सा हम लोग लाइन में आगे बढ़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी लाइन, एंड आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि लाइन में कितनी लंबी भी यहाँ पर भीड़ है, अभी देख के तो थोड़ा सा शॉक्ड हो गए हैं। ये फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है, पूरा यहाँ से घूम के 4-5 लेयर बनी, उसके बाद जाके वहाँ से ऊपर जाते हैं। अभी तो फ्रेंड बहुत ही टाइम लगने वाला है, ये हमारे पीछे की लाइन है, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये है, ये पूरा यहाँ तक घूम जाना होगा। रुद्र चल लोगे, थकोगे, घूम तो नहीं जाओगे, घूम जाओगे। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, एक घंटा हुआ है यहाँ तक आने में, ये यहाँ तक लाइन आ गई है, एक लाइन बची है, और ये हम लोग सेकंड लाइन पे हैं, एंड यहाँ से हम लोग को एक घंटा लगा है आने में, इतने लाइन क्रॉस करने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब लोग थकते हुए, मतलब कैसा लगा था धानी की एकदम थकती है, एकदम खराब हो गया। चलो अच्छा बात का फल जरूर मिलेगा तुम्हें। रुद्र हमारा सबसे बड़ी बात यहाँ तक आ गया, देखो यहाँ तक चलते हुए हम लोग के साथ आया है। बोलो हर हर महादेव, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी रुद्र, जल्दी बोलो, बोलो हर हर महादेव। जिम करना है, जिम करना है। तो फ्रेंड्स रुद्र यहाँ पे झूला झूल जिम करते हुए बढ़िया। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं हम लोग, एंड हम लोग दो घंटे में वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स, दो घंटे लगे हम लोग यहाँ पे आने में, अब यहाँ और जाना है, बाकी फिर भगवान के दर्शन होंगे। जय भोले बाबा। तो फाइनली फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, कड़ी मेहनत के बाद लगभग 3 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं, देख सकते हैं सबकी हालत ख़राब हो चुकी है, देख सकते हैं धानी की भी, देख सकते हैं फ्रेंड की बहुत ही हालत ख़राब है, देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग बस मंदिर आने वाले हैं, पूरा हम लोग लंबा सफर तय करके आया हुआ है, बहुत ज़्यादा थके फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग टीका लगवाएंगे। कैसा लगा? अच्छा लगा, ये थक गए, थके ही धानी, अरे धानी आराम थोड़ा बहुत बैठी वहाँ पे। तो फ्रेंड्स बहुत ही मज़ा आई यहाँ पे घूम के, बहुत अच्छा लग रहा, अब हम लोग टीका लगवाने वाले हैं, बहुत बेहतरीन मज़ा आने वाली, देख सकते हैं फाइनली अब हम लोग ने टीका लगवा दिया, कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखो धानी बहुत अच्छी लग रही है, बढ़िया धानी दोनों टीका लगवाई है, बहुत अच्छे त्रिशूल और फ्रेंड्स ये देखो फ्रेंड्स रुद्र ने भी लगवा लिया,
गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत मजा आई यहाँ पे टीका लगवा के, बहुत ही प्यारा लग रहा है। गर्मी लग रही है, पंखा भी चालू है, अंदर कोई भी नहीं आएगा, गेट बंद कर देना। पार्वती माता बन गई, पार्वती नहीं जाना, आगे नहीं जाना, चेक कर लो। घर घर सब जगह सब नहीं चढ़ाना, नहीं भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। गेट बंद करो वहाँ जाकर, तब वो बंद होगी पब्लिक। गेट खुला रहेगा तो आते ही रहेंगे, उनको क्या पता। अगरबत्ती फूल बेलपत्री सब बाहर करिए, सिर्फ जल चढ़ेगा, बाहर आइए। चलो पूजा सामग्री हाथ में लीजिए, आज सुबह जैसी आपकी इच्छा। आप लोग आगे जाइए, डाल दी डाल दी, निकल जाए। चलो चल के दर्शन, तेल की महक आ रही है। पानी क्यों डाली, कहाँ डाली आई पानी। फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक है छोटा सा, यहाँ पे भगवत गणेश जी और शंकर जी विराजमान हैं। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग अब बाहर आ चुके, देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज बैठी हुई है पूजा पाठ करते हुए। एंड यहाँ से हम लोग अभी पूरा बाहर आ चुके हैं, हम लोग इधर को चले जाएंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग बाहर से देखूँगा कैसा क्या बोल रहा था। फ्रेंड्स ये मंदिर था यहाँ पे, यहाँ पे गया था फ्रेंड, ये ही बहुत प्यारा है यहाँ पे। दस हनुमान जी का मंदिर है, देख सकते हैं यहाँ पेड़ के पास, बढ़िया फ्रेंड। यहाँ पे बहुत प्यारी फूल लगाई गई है, ये देखते हैं फ्रेंड्स। यही थी आज की वीडियो और बहुत ही प्यारा माहौल था फ्रेंड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।